वज़ीरे इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि ओपोजिशन मुल्की मफाद नहीं जाती मफाद के तहफ्फुज़ की कोशिश कर रही है। सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए ओपोजिशन अपनी कोशिश कर रही है। कौम को पता है कि मरियम नवाज की बातों में कितनी सच्चाई होती है। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि ओपोजिशन अपने एजेंडे में पूरी तरह से नाकाम हो गई। पाकिस्तान के अवाम वजीर आजम इमरान खान और मुल्की इदारों के साथ खड़े हैं। जो भी इसमें एपीसी में शामिल हैं इनके अपने इंफरादी मफादात हैं और हर एक जो है तो दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है। वो इस वक्त एक सियासी मजबूरी के तहत इस इत्तेहाद में शामिल हैं। मुख्तलिफ तरीके से वो अपने मफादात का तहफ्फुज़ कर रहे हैं। ओपोजिशन जो है जरूरी नहीं है कि वो एक पेज पर हो, उनमें काफी इख्तलाफात हैं। मुल्क के अवाम जेबें काटी हैं। इस तरह से इन्होंने इस मुल्क के इदारों को महफूज किया है। आज ये जो है तो आवाम के मफाद के दावेदार कैसे बन रहे हैं, तो उनकी बातों में तो ना कोई सेंस है और ना उनकी बातों को कोई अहमियत। पार्लियामेंट में कानून साजिश के वक्त इन्होंने तहरीर एनआरओ मांगा, उसका जब इनकार हुआ तो फिर पीडीएम भी शुरू होता है, फिर जरदारी लीग, मौलाना फजलुर रहमान, ये सारे अचक गई, ये सारे इकट्ठे भी बैठ जाते हैं और इनके पास जब कुछ नहीं होता तो इदारों को निशाना बनाते हैं। ये जमहूरियत होती है। बीबी बैठी हुई है केलेबरी में, जरसाजी में पकड़ी गई है, बाप छूरी में पकड़ा जा चुका है, मफरूर है। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी जागीर समझा हुआ है। पाकिस्तानी की जागीर नहीं है।